यहाँ का सीन देखो भाई, इतनी पास से हो। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। सो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8 बजे। और ये ब्रश रस्क, ये गुंडा रुको, कहाँ भाग रहे? बोलो गुड मॉर्निंग। हेलो, किसी हमको भी, हमको कौन देगा? किसी, हाँ एक बार और, किसी इससे मिलते हैं सुबह सुबह बढ़िया। एक बार और नहीं देना लल्ला, नहीं देना। चलिए अभी फिलहाल हम लोग नाश्ता करने चलते हैं। आज देखते हैं नाश्ता क्या बनाएं। चलो, आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन रहा है समोसे, और नाना जी बना रहे हैं हमारे। देखिए बहुत कुछ बना लेते हैं नाना जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग भी समोसे खाते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, चटनी विद समोसे। ये गुंडा बैठा हुआ है, ऐसे पैर फैला के बैठे जिससे ऐसे मारेगा पांच नीचे। डांट दो हमारा सबसे प्यारा बेटा, डांट दो दीदी को, डांट दो बक बक हमारा ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ, पापा को डांटेगा उसको। सानवी को डांट रहा है, सानवी को मारा। ये छोटा गुंडे को देखिए, पाइप लेके प्रशांत को मारने को ट्राई कर रहा है। बुलाता भी है, पाइप छोटी है बेचारी, नहीं तो दौड़ा के मारता। हाँ, उड़ा दो लल्ला, उड़ा दो। पाइप बड़ी कर रहा है, होगी उतनी बड़ी होगी, मारो। नहीं मारोगे अब? हाँ, फिर भाग गया। गया था, क्या लेके आया है? जूतों चप्पल से मारेगा अब। ये छोटा गुंडा, ये देखिए हो गया, रख दिए, अब नहीं मारोगे? अब और कुछ लेने गया है। ये क्या है? बिचारी को वायरल कर देगा ये। अब आया लल्ला, आया खाली हाथ आया है क्या? कुछ नहीं मिला मारने के लिए। अबे दुश्मन को बगल में बैठाते हो लल्ला, भाई मेरा। अभी मार रहा था भाई को। हाँ उसके लिए दुश्मन हो। सो फैमिली, फिलहाल दोपहर का वक्त हो रहा है, और मैं और प्रशांत रेडी हो चुके हैं यहाँ से बहुत ही जलप्रपात जाने के लिए। तो यहाँ पे एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात कहलाता है, बहुत ही वाटरफॉल। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। शायद इससे पहले मैं एक बार जा चुका हूँ गर्मियों टाइम में, और अभी फिलहाल ठंडियों का टाइम चल रहा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं। हम लोग बहुत ही गांव पहुंच चुके हैं, और इधर से अब राइट टर्न लेंगे और बहुत ही वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ेंगे। सो फैमिली, हम लोग बहुत ही वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, हमारे पीछे बहुत ही वाटरफॉल है। और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, कितना सुंदर सा व्यू हो रहा है। और हम लोग खाने पीने के लिए कुछ ले लिए थे थोड़ा बहुत, चलते हैं अपन इधर चलते हैं। ओ भाई,
यहाँ का सीन देखो भाई, इतने पास से, इतनी पास से। ओ पानी गिर रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इधर से यार। वहां से तो नॉर्मल सो ब्यूटीफुल व्यू। और ये एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। चलते हैं आगे, आपको और अच्छा अच्छा व्यू दिखाते हैं इधर का। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि वो हम लोग को ऐसा खींच रहा है अपनी साइड। बहुत गहरा है यार, बहुत गहरा है। फैमिली हम लोग पत्थर कूदते कूदते ऐसे ही मतलब घूमते फिरते ऐसे जा रहे हैं। ये उछलता हुआ बंदर, वाह यार सो ब्यूटीफुल। इसके पहले हम लोग गर्मियों में आए थे, उस टाइम में पानी वगैरह यहाँ के एकदम सूख गया था और इतना अच्छा मतलब फील नहीं आ रहा था कि हम लोग बहुत ही वाटरफॉल आए हुए हैं। ओ भाई ये देखिए, ये पानी, पानी के पास अपन लोग पहुंच चुके हैं। फैमिली है, एडवेंचर करते करते हम लोग के हाथ में लग गया है। अभी मैं भद्द भी तरह बहुत गंदा लगा है यार, कमर में बहुत गंदा लगा है और पूरा सू गंदा हो गया मेरा। ये देखिए बगल से पूरा सू गंदा हो गया है, मतलब ऐसा काई वाला फिसलन जो होती है ना यहाँ पे पत्थरों में, उसकी वजह से बहुत गंदा गिरा हूँ मैं अभी। और ऐसा लग रहा है कोई सूजी लगा दिया पीछे। और ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ पे वाटरफॉल के नीचे। भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लिटरली। तो फैमिली हम लोग यहाँ पे वापस से आ चुके हैं, वहां पे पानी जो गिर रहा था वहां पे भी अपन लोग गए थे किनारे किनारे, मतलब वाटरफॉल की ज्यादा पास नहीं जाते क्योंकि अक्सर यहाँ पे ऐसे हादसे वाले केस आते रहते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होके हम लोग आए हैं। और अब इधर बैठ के ये कुरकुरे इंजॉय करेंगे जो अपन लोग लेके आए थे। देखिए ऐसे चोट लगी थी, ये हाथ पे चोट लगी थी मेरे अंगूठे पे। यहाँ पे ही एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है और आपको चलते हैं वहीं पे दर्शन करते हैं और दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी, जय बजरंगबली, काफी बड़ी मूर्ति है। पूरा जो है प्रसिद्ध स्थान है, प्रकृति का स्थान है, देव स्थान है जी। और क्षेत्र भी जाना बहुत ही प्रपात धर्म के स्थान में बसा हुआ है, यही जो है विशेषता है यहाँ की स्थानों की। और यहाँ पे अभी सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। महाराज जी आप ही यहाँ पे नीचे रहते हैं जो कुटिया है जी, जी यहाँ पे महाराज जी एक कुटिया बना के अपनी से छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तो ये बहुत ही जलप्रपात थोड़ा सा नेचर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी राजा वगैरह से मतलब ऐसे रिलेट कुछ भी नहीं करता है, जो भी यहाँ पे सब नेचर का बनाया हुआ ही है। और सुंदर सुंदर से चीजें यहाँ पे, आप यहाँ पे आसपास भी घूम सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही जो जलप्रपात जो अभी मैंने सीन दिखाया है वहाँ पे भी एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ पे भी एक महाराज जी रहते हैं। तो आई होप मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा नीचे जाने का ट्राई करूंगा और आपको वहाँ पे का व्यू दिखाऊंगा। तो हाँ अभी फिलहाल शाम का वक्त हो रहा है तो मैं प्रशांत यहाँ पे से चल रहे हैं वापस घर की ओर क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, चलो। आ गए हम लोग समोसी खाने।
देखिए कितने छोटे छोटे समोसे है। फैमिली आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम निकल रहे हैं यहाँ से रीवा के लिए, तो हमें अभी जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी से एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।